इस वीडियो में मैं आपको उसी की आगे की एक्सरसाइज करा रहा हूँ, मैं 9.2 के आगे का पार्ट करा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको शुरू कर देते हैं। फाइंड द होल क्वांटिटी, इफ़ होल क्वांटिटी पता करनी है तो उसका 6% जो है वो 30 रुपीज़ है, तो होल क्वांटिटी क्या होगी? तो ए वाला पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, यानी लेट द क्वांटिटी एक्स लिख लेंगे हम, लेट द नंबर, नंबर लिख लो या क्वांटिटी लिख लो, एक्स मान लो, ठीक है। अब क्या है, 6% ऑफ एक्स, 6% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 30, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो यानी कि 6/100 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये 30 गिवन है, ठीक है। अब x यहीं रहेगा, इक्वल यहीं रहेगा, 30 भी यहीं रहेगा। ये जो 6/100 है ये इक्वल के इस तरफ जाना है, तो इधर जाके ये क्या होगा, नीचे वाला 100 है वो ऊपर पहुंच जाएगा और 6 ऊपर है वो 6 नीचे आ जाएगा। काटेंगे 6 बन जा 6 5 जा, यानी कि x इक्वल टू 105 जा 500। तो 500 जो है वो होल क्वांटिटी होगी, यानी 500 का 6% 30 होगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो यहाँ पर मैं एक पार्ट और कर लेता हूँ, चलिए डी वाला कर लेता हूँ। 45% ऑफ इट इज 3.6 लीटर, यहाँ भी लिखा है 45% ऑफ इट इज 3.6 लीटर, यानी किसी नंबर का 45% जो है वो 3.6 लीटर है। तो लेट द नंबर एक्स, यानी कि लिख लेंगे इसको हम, तो यहाँ लिख लिया हमने लेट द क्वांटिटी एक्स या लेट द नंबर एक्स। तो एक्स का 45%, यानी कि कैसे करेंगे, ऐसे 45% ऑफ एक्स जो होगा वो 3.6 लीटर होगा। तो इसको 45/100 ऑफ का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स इक्वल का इक्वल 3.6 का 3.6 लीटर, क्लियर। या एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3.6, 100 इधर से इधर जाएगा तो 100 नीचे है तो 100 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा और यहाँ पर जीरो बढ़ेगा, एक जीरो से जीरो कटेगा, ठीक है। काटेंगे 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि 4 2 जा 8। तो जो होल क्वांटिटी होगी वो 8 लीटर होगी, ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 8 लीटर। तो इसके बचे हुए पार्ट्स आप लोग खुद करोगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा। आगे करते हैं। अंजलि शेव्ड 1200 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, इफ़ द अमाउंट इज 2% ऑफ हर मंथली सैलरी, फाइंड हिज मंथली सैलरी। उसकी मंथली सैलरी हमें पता नहीं है, तो ये कह रहा है कि 2% सैलरी बचाती है हर महीने, तो 2% जो है वो 1200 रुपये है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? तो लेट हर मंथली सैलरी इज एक्स। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे नाउ 2% ऑफ एक्स इज रुपीज 1200। तो 2% को 2/100 लिखेंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई एक्स का एक्स इक्वल्स टू 1200, एक्स इक्वल्स टू 1200 अपॉन में क्या आना चाहिए, अपॉन में आएगा 2, क्योंकि इधर 2 ऊपर है और 100 नीचे है, जो ऊपर होता है वो आ जाता है नीचे और जो नीचे होता है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, 2 6 12 और 2 0, तो कितना हो गया, 600 × 200, 6 बन जा 6 और 4 0 लगा देंगे, तो 60,000 रुपीज़ वो है महीने में कमाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, बाकी करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रियंका यूज 225 ग्राम ऑफ मैदा फॉर अ पैकेट टू बेक अ केक। प्रियंका 225 ग्राम मैदा एक पैकेट से लेती है केक बनाने के लिए,
और ये क्वांटिटी जो है 20% है, कितनी है 20% है, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी उस पैकेट में, टोटल क्वांटिटी एक्स लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 20% ऑफ एक्स इज 225। तो इसको ये ग्राम में है आंसर, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ग्राम में आएगा, तो उसको आप खुद करोगे, ठीक है। चाहो तो उसको किलोग्राम बदल देना, चाहे तो उसको ग्राम में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला करते हैं, इन अ फ्लैट 60% ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय बेडरूम्स, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बेडरूम इज 720 स्क्वायर फीट, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट। तो टोटल एरिया को हम मानेंगे क्या, बताओ, टोटल एरिया मानेंगे हम एक्स, क्या हो जाएगा 60% ऑफ 60% ऑफ एक्स इज 720 स्क्वायर फीट, है ना, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 60/100 ऑफ का मल्टीप्लाई एक्स और 720 आ गया, एक्स इक्वस टू 720 मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच गया और ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा अपॉन में 60, जीरो से जीरो काटा, 6 बन जा 6 और 6 12 जा 72 होता है, है ना, और 1200 स्क्वायर फीट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, इन अ इलेक्शन फॉर सिलेक्टिंग द स्कूल कैप्टन अमित गॉट 58% ऑफ टोटल वोट दैट वर कास्ट, अमित गॉट 725 वोट, फाइंड द टोटल वोट कास्ट, बिल्कुल टोटल वोट कास्ट एक्स हो जाएंगे और 58% ऑफ एक्स इज इक्व टू ये दिखा देंगे, तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 14 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज, इन रेशोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, देखो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रेशियो, क्या निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो, ठीक है ना। सम ऑफ रेशियो में कितना हो जाएगा, 3 प्लस दूसरा नंबर 7 है, है ना, तो 3 प्लस 7 कर लेंगे, कितना हुआ, ये हुआ 10, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 3 है तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कितना है, 3 है, अपॉन में ये टोटल जो आया सम इसका निकल के वो रखेंगे और इनटू 100%, ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, 3×10=30%, यानी कि फर्स्ट पार्ट 30% हो जाएगा, इसी तरह से हम निकाल लेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट कितना है, 7 है, अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का सम, यानी कि ये 10, ठीक है ना, 10×100 और परसेंट, जीरो से जीरो काट देंगे, 7×10=70, तो 70% इसका आंसर आ गया। इसी तरह से डी वाला पार्ट हम कर लेंगे बिल्कुल सेम, सम ऑफ रेशो निकालेंगे, ठीक है, सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा, 3+5+2, ठीक है, तो यहाँ पर सम कर देंगे, कितना हो गया, 10। अब इसी तरह से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट निकाल लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर इसके ए वाले में किया है, ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3 दे रखा है ना, तो 3 अपॉन में इन सब का टोटल 10 आ जाएगा, तो लिख देंगे 3/10×100%, 0 से 0 काटा, 3×10=30% आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट निकालेंगे,
सेकंड में कितना था, ये बीच में फाइव आ रहा है, तो क्या करेंगे, फाइव अपॉन में टोटल नंबर इंटू 100%, जीरो से जीरो कटेगा, फाइव टेन जा 50%। इसी तरह से लास्ट वाला कितना है, टू, टू अपॉन टेन इंटू 100 और ये परसेंट, जीरो से जीरो काट देंगे, टू टेन जा 20, तो 20% आ जाएगा। तो तीनों पार्ट का परसेंटेज जो है वो इस तरह से निकल आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास 5:3, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 5:3 है, तो इसको परसेंटेज में बदलना है कि कितने परसेंट बॉयज़ हैं, कितने परसेंट गर्ल हैं। तो जैसे हमने इसका ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ रेशो निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ पर इसको। तो सम ऑफ रेशो के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का सम करेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज 5 हैं, अपॉन में रखेंगे टोटल नंबर 8 और इनटू 100 और परसेंट का साइन, काट देंगे, 4 2 8 और 4 25 100, 25 5 125 अपॉन 2 आ गया, 125/2, ये परसेंट बदल लिया। और इसको डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में लिख देना, तो ये यहीं छोड़ दूं क्या, बोलो 15, चलो डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो 2 6 12 और 2 2 4 बन बचा, 10 हुआ, 2 5 10, यानी कि यहाँ पर 62.5 और ये परसेंट का साइन लगा देना इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे, गर्ल्स कितनी है, 3/8 इंटू 100%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही काटेंगे, 4 2 8 और 4 25 3 75/2 आ गया, परसेंट काटेंगे, 2 2 4 2 3 6 बन बचा 15 हुआ, 2 7 14 और 0.5, यानी 37.5% इसका आंसर आ गया। 16 में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रेड स्टोन एंड वाइट स्टोन इन अ नेकलेस इज दिस, फाइंड द परसेंट ऑफ रेड स्टोन एंड वाइट स्टोन। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सम ऑफ रेशियो निकालना है, रेड स्टोन निकालना है, नंबर ऑफ वाइट स्टोन निकालना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो आप लोग ये वाला होमवर्क में करोगे, ठीक है। 17 में, द प्राइस ऑफ सूटकेस इंक्रीज फ्रॉम 3200 टू 3500, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सूटकेस। तो सबसे पहले इंक्रीजमेंट देखते हैं, कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है रुपीस में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, नया प्राइस से ओल्ड प्राइस को माइनस कर देंगे, 3500 आया, ठीक है। इसमें से माइनस करना है रुपीज 3200 को, तो जब ये माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, रुपीज 300, यानी 300 रुपये बढ़ गए, ठीक है। अब इंक्रीजमेंट परसेंट निकालेंगे, तो इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या करना है कि जितना पैसा बढ़ा, कितना बढ़ा, 300 रुपये बढ़ गया, ठीक है। और कहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, 3200 से या 3500 से, गुड। पैसा जो था वो 3200 बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि ओरिजिनल प्राइस, जहाँ से पैसा घटता है, जहाँ से पैसा बढ़ता है, तो वही नंबर अपॉन में रखते हैं। तो यहाँ पर अपॉन में 3200 आ जाएगा, क्योंकि पैसा 3200 से बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है ना, इनटू 100%। फिर क्या करेंगे, जो 2 0 से 2 0 काटेंगे, अब फिर इसको 8 से काटेंगे, 8 से नहीं, चलो हम इसको 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 4 75 जा
300, तो 75/8 जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 9.375%। ठीक है, जिसको काटना नहीं आता है तो 75 को इस तरह से लिख के और इस तरह से लिख के उसको डिवाइड करें। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मंथली इंस्टॉलमेंट मिस्टर राकेश हाउसिंग लोन रिड्यूस फ्रॉम 9600 टू 8000, यहाँ से घटकर यहाँ तक पहुँच गई, तो कितना डिक्रीजमेंट हुआ है। जिस तरह से यहाँ हमने इंक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट परसेंट निकाला है, उसी तरह से डिक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट हमको निकालना है, बिल्कुल सेम। यहाँ इंक्रीमेंट इन प्राइस हुआ है, यहाँ डिक्रीमेंट इन प्राइस हुआ है, सबसे पहले डिक्रीजमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद डिक्रीजमेंट परसेंट, और अपॉन में क्या रखना है, 9600, क्योंकि पैसा 9600 से घटना शुरू हुआ है। समझ गए ना, तो ये होमवर्क में करोगे। 19, फाइंड द परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में परसेंट निकालना है, और डिक्रीज हो रहा था डिक्रीज में परसेंट निकालना है। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन क्लास फर्स्ट वाज 200 लास्ट ईयर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड दिस ईयर 235। लास्ट ईयर 200 थे, इस ईयर में 235 हो गए, तो इंक्रीजमेंट हुआ है डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट हुआ है ना, तो सबसे पहले निकालेंगे कितना इंक्रीजमेंट हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, 235 से 200 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 35 आ गया। अब क्या निकालना है, इंक्रीज परसेंट है, कैसे निकालेंगे, 35 बढ़ा, कहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 200 से, इनटू 100 और परसेंट का साइन, 20 से 20 कट गया, 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर, चलो बी वाला है, नंबर ऑफ कैंडिडेट फेलिंग इन एन एग्जामिनेशन कम डाउन टू 15 to 9, 15 से घट के 9 रह गया है, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट परसेंट निकालना है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क में करोगे। फिर अगला है, द वॉल्यूम ऑफ अ बलून वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 to 95, बलून का वॉल्यूम जो है घट रहा है, 120 से 95 रह गया, तो डिक्रीजमेंट कितना हुआ है ये निकालना है ना, इसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है तो निकाल लेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 120 है, इसमें से 95 को माइनस कर देंगे, है ना, ये कितना हो गया, घटा दो भाई, 25 आया डिक्रीमेंट करने के बाद। अब डिक्रीमेंट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है, तो कितना घटा, 25 घटा, कहाँ से घटना शुरू हुआ, 120 से घटना शुरू हुआ, तो अपान में 120 पुट करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंटेज। ठीक है, 20 से 20 काटा और कटेगा, 25 जै 10, 26 जै 12, ये कितना हो गया, 25 5 जा 125 अपॉन में 6%, इसको काटेंगे, 6 2 जै 12, 20 आएगा और 5/6% यहाँ पर हम इस तरह से इसको आंसर को लिख देंगे, तो 20 होल नंबर 5/6% जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है। डी वाला पार्ट आप लोग अपने आप करोगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। We'll be right back.